नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। जबलपुर में थाना हनुमानताल अंतर्गत ससुराल में वाद विवाद के चलते एक महिला आत्महत्या करने के लिए हनुमानताल जा पहुंची, जिसे संदेह की स्थिति में पूछने पर महिला ने जानकारी दी कि वह अपने ससुराल से परेशान है, जिसे हनुमानताल पुलिस द्वारा महिला के पति को बुलाकर समझाइश देकर पति के साथ घर वापस भेज दिया गया। तो तुम बंद टीवी में देखोगे तो कहाँ से चेक होगा? आज भी तक बताइए क्या मामला था, क्या कारण था इनका? ये बापू नगर सिंधी कैंप की रहने वाली महिला है। ये अपने सास से घरेलू बातों, छोटी छोटी बातों को लेकर के इतना परेशान हो गई कि अपने बच्चों को, दोनों दो बच्चे हैं इसके, लेकर के हनुमानताल थाने आ गई आत्महत्या करने के लिए। उसी समय हमारे यहाँ के हवलदार प्रदीप रजक और नीरज राव, ये दोनों वहाँ घूमते हुए निकले, पेट्रोलिंग में थे, दोनों घूमते हुए निकले, इसको अकेली खड़ी देखे और संदेह के आधार पर इन्हें रोका तो रोने लगी, पूछने लगे तो रोने लगी। तो उन्होंने लाके थाने पेश किया, पूछताछ करने पर बताई कि हम आत्महत्या करने के लिए आए थे, यहाँ तक बच्चों को लेके आए थे, फिर बच्चों को आपस छोड़ दिए। इनकी काउंसलिंग कराई गई, नाइट ऑफिसर आरवी मिश्रा के जरिए काउंसलिंग कराई गई और पति को बुला करके इनको समझाइश दी गई कि घर जा करके खुशहाल जीवन जिए और आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम ना उठाएं, ये हित में नहीं है। सर, ये कहाँ की रहने वाली है? ये बापू नगर की रहने वाली है। सर, अपना परिचय? मैं SI बघेल, कनक सिंह बघेल, थाना मानता। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़ जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।